भारत के सभी हिस्सों से इस योजना के सकारात्मक अनुभव और प्रतिज्ञा देखकर हार्दिक अनुभूति हुई। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी। बन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से देश के विभिन्न भागों के किसानों के साथ इस विभाग की योजनाओं के तहत उनके अनुभव के बारे में परस्पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के श्री गगन पेरिंग जी से आमंत्रित करूंगा कि वे पीएम किसान योजना के साथ ही ऑर्निक एफपीओ के लाभार्थी हैं। श्री गगन पेरिंग जी। गगन जी नमस्कार। प्रणाम सर। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कह रहा होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर, मुझे हर साल हर महीने के चार महीने के पीछे 2,000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6,000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। सर, एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जी। और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये सर, कैसे काम करता है? सर सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर, कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446। अच्छा। ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक अदरक, जिंजर। अच्छा, जिंजर। और जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के आधार में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं जी। क्या जी वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्तक पोर्ट कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद गगन जी। अब मैं उड़ीसा के नवपाड़ा जिले के नवीन ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा जो पीएम किसान योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री ठाकुर जी। नवीन जी जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। बताइए
क्या किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एकीकृत यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। अच्छा, भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो आपको मालूम है क्या? जी। आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है? मिला है सर। अच्छा, तो उसका क्या करता है? मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। पहले तो 20% के ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था, अब 4% के हिसाब ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है। और मैं इस धन को ब्याज धन को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। नवीन जी, आपके पास कितनी जमीन है और आपको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सुविधा जो आपको मिली है, तो अब आप ये खर्च कहाँ से करते हैं? पहले क्या करते थे, पहले कैसा करते थे? मेरे पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। अच्छा, इतना छोटी जमीन है? छोटी जमीन है। हाँ, उसमें धान का फसल उगा रहा हूँ, मुझे अन्य फसल करने के भी शौक है। तो कुछ शुरू किया है? अभी तो कुछ किया नहीं हूँ, शौक तो है। नहीं, करना चाहिए, अच्छा विचार आपको आया है, क्योंकि हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नई चीजें करना चाहिए। देखिए नवीन जी, अटल जी की सरकार ने किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी जी। और आज उनका जन्मदिन है। अब इसको आप जैसे उड़ीसा में दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कारण पहुंचा है। और जैसा आपने कहा, ब्याज में राहत हो गई है, आपको किसी बहुत बड़े ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है, अब आप नई नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं। यही सारी बातें हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो, इसलिए सरकार काम कर रही है। और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी छोटे छोटे किसानों को समझाइए कि एक केसीसी कार्ड नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें, केसीसी कार्ड का उपयोग करते बैंकों से पैसे लें, ज्यादा ब्याज से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपने खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें, ये जरूर सबको बताइए। करेंगे नवीन जी? जी, पक्का करेंगे? जी, पक्का करेंगे सर। चलिए, जय जगन्नाथ आपको। नमस्कार सर, धन्यवाद। अब मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के श्री हरि सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के लाभार्थी हैं। हरि सिंह जी, नमस्ते। नमस्कार, नमन प्रणाम सर। नमस्कार सर, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीर चंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूँ। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं, और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, इकट्ठे सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बांटते आते हैं, जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
नहीं जी, हम तो इकट्ठे तो आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह आज और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो APMC उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। हम पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी, अभी MSP पे धान बेचा। चलिए, मैं पहले तो आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूँ, क्योंकि वरना एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी। लेकिन आपने थोड़ा भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे और जमीन को अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी, आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके परिवार को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के श्री गणेश राजेन भोसले जी को आमंत्रित करूंगा। वे PM किसान योजना के साथ साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री भोसले जी। गणेश जी नमस्ते। राम राम सर जी। राम राम। गणेश जी बताइए, आपके पास कितनी जमीन है? मेरा नाम गणेश राजेंद्र भोसले है, मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के मातुला गांव का रहवासी हूं। अभी मेरे पास 3 हेक्टर जमीन है, जिस पर मैं सोयाबीन और तूर की फसल का उपयोग करता हूं। पहले क्या करते थे गणेश जी? पहले यही खेती में काम था, सोयाबीन, तूर, चना। और खेती के सिवाय भी कुछ करते होंगे कि सिर्फ खेती करते हैं? नहीं, खेती के सिवाय सर जी मेरे पास 9 गाय है और 13 भैंस है, जिसका मैं दूध निकालकर खेती में उसका पैसा लगाता हूँ। अच्छा, यानी पशुपालन भी अच्छी तरह करते हैं आप? हाँ सर जी। अच्छा मुझे बताइए गणेश जी, सच बताना। हाँ सर। खेती में ज्यादा कमाई होती है कि पशुपालन में? खेती में भी होती है और उससे खेती के अलावा पशुपालन से मेरे को दूध मिलता है और उस दूध को मैं बेचकर मेरा परिवार और मेरे खेती में भी उसका राशि का चयन होता है सर जी। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं आपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से फसल बीमा योजना से जुड़ा हूँ। कल मौसम में 2019 के मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। कितना लाभ मिला, कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपये का प्रीमियम किया था, लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपये का राशि मिला है। यानी इंश्योरेंस कंपनी 2,500 रुपया दिया था और 54,000 रुपया मिला? 2580 रुपये का प्रीमियम किया था मैंने। अच्छा, है ना, 2,500 रुपया? हाँ सर। हाँ, और आपको मिला 54,000? 54,315 रुपये का मुझे राशि मिला सर। तो ये सब गांव वालों को मालूम है? सब किसानों को मालूम है सर। तब अब सारे किसानों का तो मन करता है कि फसल बीमा लेंगे? हाँ सर, सभी किसान भाई मेरे साथ आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ।
उसे हर किसान को फायदा हो रहा है सर जी। चलिए गणेश जी, मुझे अच्छा लगा आपने सारी योजनाओं का लाभ लिया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हो धन्यवाद गणेश जी। अब मैं मध्य प्रदेश के धार जिले के श्री मनोज पाटीदार जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ ही डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लाभार्थी हैं। श्री पाटीदार नमस्ते। सादर प्रणाम प्रधानमंत्री जी। प्रणाम जी, बताइए मनोज जी। सर मेरा नाम मनोज पाटीदार, पिता रामेश्वर जी पाटीदार, ग्राम चिकलिया धार जिला मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूँ सर। मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। यहाँ सब आपके आपसे रूबरू होने आए हैं सर यहाँ। अरे वाह। और मैंने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है और बाकी की पढ़ाई मैंने परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा निर्मित जो तत्वज्ञान विद्यापीठ, उनका जो गुरुकुल है, बाकी की पढ़ाई मैंने वहाँ की है। तो कहाँ, अहमदाबाद वाले तत्वज्ञान में पढ़ते थे कहीं और? जी सर, अहमदाबाद भी गया था और मुंबई भी एक वर्ष के लिए गया था। अच्छा। और मेरे संयुक्त परिवार की सब होके 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैं रबी में गेहूं, चना, मटर, लहसुन और प्याज की खेती करता हूं और खरीफ में सोयाबीन और मक्का की खेती करता हूं सर। क्या अनुभव है बताइए, क्या लाभ हो रहा है, सरकार की किस योजना का लाभ रहे आप? सर मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज जहाँ जैसी जरूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया, मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने उपयोग अच्छा, कर लिया। इस साल जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं, उसके पहले जो फसल आपने बेची है, तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया, कोई अंतर समझा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है। पहले एक ही हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का, लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल ITC कंपनी को 41 रुपये क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहाँ मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहाँ पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है और सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है। और वहाँ की दूसरी भी अच्छी खासियत है कि हमारा जो माल है हमारे सामने, उसका परीक्षण किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है, इतनी मिट्टी है, इतना मॉइस्चर है, और वो हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि भाई इतना इतना है, आपको चाहे तो ये रेट है आपका, आप चाहो तो बेचो या आपकी इच्छा। तो नए कृषि कानून से मुझे ये जो एक और द्वार मिला है हमारा माल बेचने का, ये बहुत अच्छा लगा। आपको संतोष है? जी सर। आपके इलाके के और भी किसान फायदा उठाते हैं? बहुत किसान उठाते हैं सर। अच्छा, फिर कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा, आप तो खुद किसान है और आप कह रहे हैं फायदा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके, मिट्टी है, टिकना है, फलाना है, और आपके पैसे काट लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना सर? अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं, और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा,
या तो वो हमें सलाह दे देते कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मॉइस्चर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा? हाँ हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, और आपके पूरे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और आपने सर, मेरा एक निवेदन है सर। जी जी बताइए सर। हमारे कृषि में हमें अभी जंगली जानवर हमें बहुत परेशान हो रहा है, जिनको घोड़ा रोज बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो हमारे किसान लोग बहुत परेशान है। मुझे आज एक जगह मिल गई है कि डायरेक्ट मैं आपसे ये बात कर सकूं। ये बात सही है, कई जगह पे ये, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी ये समस्या मेरे सामने आती थी। लेकिन इस देश में अभी जो ये किसान आंदोलन के नाम से बैठे हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा के उस दूसरे लोग एनवायरमेंट के नाम पर आंदोलन चला करके अगर किसी किसान ने किसी पशु को मार दिया तो उसको जेल भिजवा देते हैं, यही लोग। यानी वो उधर एक आंदोलन चलाना, इधर दूसरा आंदोलन चलाना, क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा से करते हैं। और इसके कारण, लेकिन ये बात सही है कि इसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना होगा, और हिंदुस्तान के कई कोने में ये इस प्रकार की समस्या है। लेकिन मनोज जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने इस बात का मेरे ध्यान पर आकर्षित किया, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के श्री एम सुब्रमणि को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री सुब्रमणि जी, वणक्कम। वणक्कम பிரதமர். बोलिए, உங்களை பத்தி சொல்லுங்க, உங்க இதை பத்தி, குடும்பத்தை பத்தி சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு ஜமீன் நிலம் இருக்குது அதை பத்தி சொல்லுங்க. வணக்கம் பிரதமருக்கு. என் பேர் சுப்பிரமணி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். என் குடும்பத்தில் நாலு பேர் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு வந்து 4 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது, விவசாயம் செஞ்சுன்னு வர்றோம். தக்காளி 2 ஏக்கரை போட்டிருக்கோம், பட்டன் ரோஸ் 1 ஏக்கரை போட்டுருக்குறோம். मेरा नाम सुब्रमणि है, मेरा परिवार में 4 सदस्य हैं, वो 4 सदस्य मिलकर हम खेती करते हैं। मेरा पत्नी, मैं और मेरा 2 लड़के हैं, और जो है वो मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, उसमें से अभी जो टमाटर और जो गुलाब के फूल का पौधा जो मैं बोता हूँ। आप इतना बढ़िया हिंदी कैसे बोलते हैं? साहब, मैं भोजपुरी सैनिक हूँ साहब। अच्छा, फौज में थे? फौज में था साहब। अच्छा, वाह। तो आपने और भी फसल आप कर रहे हैं, और पानी की स्थिति क्या है? क्योंकि चेन्नई वगैरह में तो पानी की बड़ी दिक्कत है, तो गांव में और दिक्कत कैसी होती होगी? தண்ணி ரொம்ப கம்மியா கிடைக்குது, எப்படி நீங்க விவசாயம் பண்றீங்க அப்படிங்க கேக்குறாரு. தண்ணி வந்து கம்மியா கிடைக்கிறதுக்கு நான் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் மூலமா, தோட்டக்கலை துறை மூலமா சொட்டு நீர் பாசிட்டு வர்றேன். அவங்க வந்து சொல்லணும், 33,000 சொல்லணும், 1,33,000 ரூபாய்க்கு 112 மானியம் மூலமா எங்களுக்கு இலவசமா 3 ஏக்கருக்கு சொட்டு நீர் பாசன வசதி செஞ்சு கொடுத்துறாங்க, செஞ்சு கொடுத்துருங்க. அதனால வந்து 1 ஏக்கர் நிலம் வடிகால் மூலமா பாசனம் இருந்தேன், இப்போ வந்து 3 ஏக்கராகவும் விவசாயம் செய்கிறேன். அதனால எனக்கு 112 மூலம் லாபமாகவும் 40,000 ரூபாய் வருமானம் வந்துச்சு போன வருஷம். இந்த வருஷம் சொட்டு நீர் தோட்டக்கலை மூலமா வழங்குறதுனால எனக்கு 140,000 ரூபாய் வருமானம் வந்திருக்குது. இதில் வந்து 40,000 போக மீது 100,000 மீதம் இருக்குது. अच्छा साहब जी, मुझे पहले जो बहुत पानी के यहाँ का कमती वजह से 4 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी मुझे 1 ही 1 एकड़ का जो जमीन का पानी का जो पूरा होता था, अभी जो ये ड्रिप इरिगेशन करके, ये जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में जो हॉर्टिकल्चर का जो अधिकारी लोग मुझे सलाह देने के वजह से, सलाह देने के साथ साथ इन्होंने 1,33,000 की जो है इन्होंने जो 100% जो मान्यता दिया है, मान्यता सब्सिडी दिया है। सब्सिडी देने के बाद और उन्होंने साथ साथ मुझे ड्रिप का लगा का भी दिया था, अभी जुड़ चुके हैं। अरे वाह, तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर, हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपये किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपये का एग्रीमेंट हुआ है, और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह, इसमें हमें किसी प्रकार का
भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल के लिए। झूठ फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है, और फसल पहले बर्बाद होती थी, अब बिकती है। चलिए, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 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 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूं ये महाराजगंज में आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी, और उसकी बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। रामगोपाल जी की तरफ से हम आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे, ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहे। श्री राम गुलाब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को संबोधित करने का अनुरोध करते हैं। देश भर से जुड़े मेरे किसान भाई बहन, इस कार्यक्रम में देश में अलग अलग स्थानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, आदरणीय सभी मुख्यमंत्रीगण, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि और सब गांवों में जाकर के किसानों के बीच में बैठे हैं। मैं आप सबको और मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है, और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करें। साथियों, आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है। आज ही भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। देश के महान कर्मयोगी, हमारे प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जन्म जयंती है। उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। साथियों, अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया। गीता में कहा गया है, स्वय स्वय कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, यानी जो अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धि मिलती है। अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया। सुशासन को, गुड गवर्नेंस को अटल जी ने भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश
उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साथियों, अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई थी, और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है, वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। अभी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसके विषय में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं।